सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सर सीबीएसई 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही बन जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाले फॉर्मूले से, ठीक है। हाँ देखिए सर, बोल क्या रहा ना कि ट्रेन है जो कि किसी यूनिफॉर्म स्पीड पे 180 किलोमीटर पर 180 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है। हाँ अब बोल रहा है कि अगर उसका स्पीड, वो जो यूनिफॉर्म स्पीड था उससे वो 9 किलोमीटर ज्यादा रफ्तार से अगर चल रहा होता तो वो जो उसको 1 घंटा कम लगता अपने जर्नी को कवर करने में, ठीक है। तो सर स्पीड बता दीजिए, उसका स्पीड बता दीजिए। जो सर पूछता है ना, जो हमसे मांगता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। लेट द स्पीड बी एक्स, या फिर लेट दिस यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स, कुछ भी मान सकते हैं। आपका मन है, मेरा मन नहीं, आपका मन है, ठीक है, बिल्कुल आपका मन है। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका दिया है आपको 180 किलोमीटर। क्या दिया है सर, 180 किलोमीटर, ठीक है। हाँ और क्या बोल रहा है ना, और बोल रहा है कुछ नहीं बोल रहा। टाइम हमको पता लग जाएगा यहीं से, क्या कि सर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस आपका 180 बाय स्पीड जो हम लोगों ने एक्स माना है, ये हमारा टाइम निकल के आ गया, ठीक है। हाँ अब सेकंड केस में, इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 9 किलोमीटर पर आवर, बोल रहा है कि अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ज्यादा होती हमारी, ठीक है। हाँ तो या फिर इफ द स्पीड इज मोर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जो आपको गिवन है। तो हमारा स्पीड क्या हो जाता, तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हमारा क्या हो जाता है एक्स प्लस 9 किलोमीटर पर आर हो जाता है सर हमारा यूनिफॉर्म स्पीड बदल के। क्यों? क्योंकि पहले एक्स की रफ्तार से चल रहा था, अब बोल रहे हैं 9 किलोमीटर ज्यादा की रफ्तार से वो चल रहा है, तो एक्स प्लस 9 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं। अब देखिए डिस्टेंस तो सेम ही है सर, सेम डिस्टेंस सेम जर्नी को बोला गया है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा सर, टाइम वही होता है सर जो मंजूर खुदा होता है। नहीं सर, जो पहले डिस्टेंस था वो हमारा 180 किलोमीटर बाय स्पीड हमारा क्या है एक्स प्लस 9, ठीक है। तो हमारा 180 बाय एक्स प्लस 9 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है ना कि सर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 घंटे का है, समझ में आ रहा है क्या? अब पता लगा ना, दोनों टाइम ही तो है, टाइम ही तो दिया है कि दोनों टाइम के बीच का गैप कितना लगता, 1 घंटा कम लगता, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है सर, बड़ा ये वाला है, ठीक है, छोटा कौन सा, ये वाला है। तो हमको पता है बड़े में छोटे को घटाते हैं, तो सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, हाँ उल्टा बोल दिए, ये आपका बड़ा ये आपका छोटा है, क्योंकि नीचे वाला जितना छोटा उतना ही ज्यादा बड़ा आपका वैल्यू आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि अगर इसका और इसके बीच का डिफरेंस आपको 1 घंटा दिया, इस टाइम और इस टाइम के बीच का डिफरेंस 1 घंटा दिया, यानी कि 180 बाय एक्स माइनस 180 बाय एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू आपको 1 दिया है। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं है बस। अब देखिए अब क्या है हमारा, अब हमारे पास आ गया क्या, दोनों का एलसीएम ले लिए, दोनों का एलसीएम लिए तो एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 9 हो गया आपका 9x, ठीक है, बाय यहाँ पे 180, यहाँ पे 180, 180 को कॉमन ले लिया, 180 को कॉमन लिया तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और 180 जो आप लोगों ने कॉमन लिया था वो इधर साइड में चल रहा है, आप इसको इधर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इनटू, अच्छा यहाँ देखिए x x हमारा कैंसिल आउट हो गया, 9 18 9 162 है ना, तो 162 हो गया हमारा यहाँ पे, 162 0, और ये यहाँ से जाके 1 से इंटू होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x। अब ये प्लस में जाके माइनस में, यानी कि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 162 0 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं सर, कुछ हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे बस देखिए, अगर आप इसको देखें, ये हमारा क्या है सर, 45 इंटू 36 अगर करते हैं तो 162 0 आता है हमारा, यहाँ पे 9 पूरा करना है इसीलिए कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x, ठीक है। दोनों के बीच का गैप क्या है हमारा, दोनों के बीच का गैप हमारा 9 ही है, माइनस 1620 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा यहाँ पे। आप लोगों ने यहाँ पे देखिए दोनों के पास x है,
तो x को कॉमन लिए, x को कॉमन लिए तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 45 बच गया। देखिए अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही ना, यहाँ पे थोड़ा सा गॉल्स फॉर्स मतलब जल्दी जल्दी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि यहीं पे दिक्कत होता है। इक्वेशन क्रिएट होने के बाद तो आप लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं पूरा ही बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ 36 है, 36 है, माइनस है, माइनस दोनों को कॉमन लिया, माइनस 36 को कॉमन लिया तो एक्स प्लस 45 आपका इधर बच गया इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस 45 को कॉमन ले लिया तो एक्स प्लस 45 को आप लोगों ने जैसे ही कॉमन लिया अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस 36 देखिए इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 45 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 45 और यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 36 किलोमीटर पर आर, आपका x का वैल्यू आ गया। ये नहीं होगा सर क्योंकि हम लोग स्पेस में तो मतलब UFO तो नहीं है अपने पास जो माइनस में स्पीड चले जाए अपना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47, चले बढ़ते हैं आगे।